हेलो दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता होगा। इसमें गुणा कैसे किया जाएगा, बहुत लड़के सबको दिक्कत होता होगा कि कैसे गुणा किया जाए। आइए हम एक ऐसा तरीका बताते हैं दोस्तों कि कभी भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बस इस वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहें। बस देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 3x+2y दिया हुआ है इंटू 4x+2y, ठीक है। कैसे इसको गुणा करेंगे हम लोग, ये बहुपद का अलजेब्रा का गुणा है, ठीक है। गुणा देखिए, हम इसको इतना बढ़िया से बताते हैं कि कभी भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। देखिए 3x है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 3x लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट घेर के और ये दोनों पद को लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 4x और प्लस का 2y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 2y है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 2y लिख देंगे। यहाँ पे फिर इसी को उतार देंगे, 4x+2y। समझिए पहले क्या किए हम, किए क्या कि ये एक पार्ट है, ये अलग पार्ट है, दूसरा अलग पार्ट है, तो ये वाला पार्ट को 3x लिख के और इसको उतार दिए। फिर प्लस का है तो प्लस लिख दिए, 2y लिख दिए और ये पूरा उतार दिए, ठीक है। अब सिंपली हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए गुणा क्या करेंगे, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 3 12, तो 12 लिख दिए। देखिए इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी x² हो जाएगा, यानी 2 हो गया, ठीक है। अब प्लस, अब देखिए 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दुना कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब इसका x, यहाँ पे x है तो x लिख देंगे, यहाँ पे y है तो y लिख देंगे, ठीक है। प्लस, अब देखिए 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 दुना 8 हो जाएगा, ठीक है। पहले x है तो पहले x लिख देंगे, फिर y है तो y लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस देखिए 2 दुना कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, कुछ नहीं रहता है तो 1 मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए y हो गया, आ इसके ऊपर एक, तो ये दोनों एक एक मिलकर कितना हो जाएगा, 2, तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, जो जुड़ने वाला होगा उसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 हो गया x² तो x² प्लस, अब देखिए xy इसमें भी है, xy इसमें भी है, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, तो 8 8 6 कितना होगा, 8 6 14, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 xy, ठीक है, xy। अब प्लस प्लस 4y है तो 4y लिख देंगे। देखिए यही हम लोग का एलजेब्रा का गुणा हो गया, एकदम सिंपल वे में। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगा। किए क्या थे हैं, सिंपली आप लोगों को बस एक यही करना है, 3x है तो 3x लिख दिए, इसको जो है ज्यों का त्यों उतार दिए, ठीक है। प्लस 2y है तो प्लस 2y लिख दिए, इसको ज्यों का त्यों उतार दिए। उसके बाद नॉर्मली जो गुणा होता है, गुणा का प्रोसेस जो है सिंपली वही गुणा कर दिए, आराम से गुणा हो गया। इसको जोड़े क्यों हैं, देखिए यहाँ पे ये x² है, तो ये x² इसमें कहीं नहीं था इसीलिए हमने नहीं जोड़ा, तो 12x² ऐसे ही रख दिए। यहाँ पे देखिए इसमें भी xy है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें xy है, इसमें भी xy है, तो इसीलिए इसको जोड़ दिए। इसमें xy है, इसमें xy है, इसलिए दोनों को जोड़ दिए, तो ये 14 आ गया, ठीक है। फिर इसमें y² कहीं भी नहीं है, तो y² कहीं भी नहीं है, तो 4y² लिख दिए, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को इस प्रकार का गुणा बहुत बढ़िया से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और दोस्तों इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।